हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ज्वेलरीज जो कि मैंने अमेजोन से ली हैं। सभी की सभी ज्वेलरीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मैंने ली हैं और काफ़ी ही लाइट वेट है। वैसे भी मुझे लाइट वेट ज्वेलरीज होती है ना, वही पहनना ज़्यादा पसंद है। हैवी और बहुत बड़े बड़े ईयर रिंग्स या ज्वेलरी मैं ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकती हूँ। खैर, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लाइट वेट ज्वेलरीज मैंने मंगाई हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। और आपको भी मंगानी है तो अपनी कार्ट में ऐड करना और शॉपिंग कर लेना। और ये वाली जो ज्वेलरीज हैं, ये वैसे भी ना अब जैसे आगे इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो सभी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगी, तो इसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब मंगाया है। चलिए दिखाती हूँ कि कौन कौन सी ज्वेलरीज मैंने ली है। पहले जो मैंने ज्वेलरी ली है वो है ये इयररिंग्स का सेट। ये चार का सेट है, ये आयो बेला ब्रांड की तरफ से है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस तरीके की इसमें इयररिंग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, ये देख लीजिए आप। और इसमें जैसे ये ग्रीन कलर का है ना, ऐसे ही पिंक है, वाइट है, ब्लैक है, और मुझे अच्छा लग रहा था। अभी आपको एक और दिखा देती हूँ, मतलब एक एक करके मैं आपको सारी ज्वेलरी मतलब सारे इयररिंग्स दिखाती हूँ। एक ये रहा, ये पिंक में है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये आपको दिखा देती हूँ। एक ये ऐसा है, ये तो बिल्कुल ही सिल्वर का लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे सिल्वर का बना हुआ। और ये वाइट कलर में, और दूसरे वाला ये वाला है ब्लैक कलर में। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छी इस तरीके की लटकन वाली। वैसे भी मुझे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पहनकर भी बहुत सुंदर लगते हैं। आपको भी पसंद आ रही है तो ले सकते हैं, आपको चार का ये सेट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी डील है। एक और ये भी ये येलो चाइन की तरफ से है। ये मैंने एंकललेट मंगाया है और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। मैंने फुटवेयर वाला जो हॉल आपके साथ शेयर किया था उसमें ये पहना हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और ये ना मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए बहुत लाइट वेट रहता है, आप पहन के पता ही नहीं चलता आपने कुछ पहना भी हुआ है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ये चीज़ है। तो ये कुछ भी मेटल नहीं है, ये शायद मेटल है, नहीं ये भी मुझे प्लास्टिक ही लग रहा है। ये तो सारा प्लास्टिक है, ये शायद नीचे मेटल है। ऐसे हाथ लगा के पता चल रहा है कि ये मेटल है लेकिन ये प्लास्टिक है, तो बहुत ही लाइट वेट है, मालूम ही नहीं पड़ता कि पहना हुआ है। और बहुत ही सुंदर लगता है पैरों में, आपने अगर कैप्रीज डाली हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपने पैंट पहनी हुई है कुर्ते के साथ, थोड़ी एंकल लेंथ जो होती है, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। कोई ड्रेस वगैरह डाली हुई उसके साथ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं तो इसे पहनती हूँ और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ये ज़ेनिमी की तरफ से मैंने ये नेकलेस लिया है। जैसा ये पिक्चर में था वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पिक्चर में तो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। ये इस तरीके से आपने साड़ी वगैरह डाली हुई है उसके साथ आप इसे पहन सकते हैं। आप कोई लाइट वेट ज्वेलरी की तलाश में है तो उसके हिसाब से अच्छा है। कलर इसका अच्छा है, सिल्वर के ऊपर ये वाइन कलर के जो स्टोन्स लगे हुए हैं काफ़ी खूबसूरत है। नीचे फिर यहाँ पर एक ड्रॉप टाइप्स का वो डिज़ाइन भी है, तो मुझे अच्छा लग रहा था ये। लेकिन जो पिक्चर थी ना फोटो में, इसके नीचे भी थोड़ा सा कोई डिज़ाइन था लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और बहुत ही लाइट वेट सी छोटी छोटी सी ये रही इसके इयररिंग्स हैं, तो चाहे तो आप खुद भी पहन सकते हैं, या आपकी कोई टीनेजर, आपकी कोई डॉटर है तो आप उसको भी पहना सकते हैं। तो मतलब बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना टीनेजर्स वगैरह, अगर वो साड़ी पहनते हैं फेयरवेल वगैरह में तो उनके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक और नेकलेस ही है सुखी ब्रांड की तरफ से, बहुत ही लाइट वेट नेकलेस मैंने मंगाए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे और भारी मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और कुछ ऐसे सोच के मंगाए थे कि अभी आगे फंक्शंस आएंगे तो आप उसे इन्हें कुर्तियों के साथ भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा था। और इसके लोगों ने रिव्यूज़ बहुत अच्छे दे रखे थे, काफ़ी तारीफ की हुई थी। और ये इस तरीके का है, ये ऑक्सीडाइज्ड है और यहाँ पर ये पूरे इसमें बीड्स हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये ना ब्लैक कलर का थ्रेड है और उसके ऊपर फिर ये जो है ये स्टार स्टार बने हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये है ब्लैक कलर के बीड्स और फिर यहाँ पर ये स्टार्स हैं। तो ये भी काफ़ी लाइट वेट है, बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद। आपने कोई कुर्ती डाली हुई है कॉटन की उसके साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैंने अभी ये पहना, देखो इसके साथ भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइट वेट है एक तो, और आप आगे आगे जो फेस्टिवल्स हैं, अभी गणपति पूजा है, जन्माष्टमी है, इस पर भी पहन सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये। एक मिनट, इसके मैं आपको इयररिंग्स भी दिखा रही हूँ, आगे दुर्गा पूजा वगैरह है उसमें भी आप किसी दिन पहन सकते हैं। देखो छोटे छोटे से इयररिंग्स है, काफ़ी देर तक पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। शायद इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था तो मुझे ये अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया।
कुर्ती के साथ मैं जरूर इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंक्शन में जरूर पहन लूंगी। इसके बाद एक ये वाला है, ये क्या है, ये भी येल्लो चैन की तरफ से, सब कुछ येल्लो चैन की तरफ से ही मैंने लिया है। मैंने वो क्या कि कोई और ब्रांड बता दी थी पहले, वो भी येल्लो चैन ही था, योमेला नहीं था। और ये वाले भी जो है ये इयर रिंग्स हैं, तो ये वाले इयर रिंग ना ग्रीन कलर के, ये कुछ कुछ वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको चार वाला सेट दिखाया था उसमें ग्रीन कलर के हैं, कुछ वैसा ही वैसा सा लग रहा है ये। मैंने इसे खोल कर देख लिया था लेकिन फिर से मैंने इसे वापस पैक कर दिया, मैंने कहा आपको जब दिखाऊंगी तभी इसको ओपन करूंगी। और ये ऐसे है, वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, थोड़े उससे लॉन्ग में इस तरीके के हैं, झुमकी वाला जो स्टाइल होता है मतलब इस तरीके का। और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ग्रीन कलर में, देखकर ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कोशिश करूँगी कि इन सभी जो मैं आपको ज्वेलरीज दिखा रही हूँ इन सब की को पहन के एक बार इनकी पिक्स भी मैं साइड में डाल दूँ, तो देख लीजिएगा आपकी कैसे लग रहे हैं, फिर उसी हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन से वाली ज्वेलरी लेनी है। की ब्रांड की तरफ से एक और ज्वेलरी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, जैसी सोची थी जैसी पिक में उसके हिसाब से वैसी नहीं है ये, और बस पर मैंने ले ली, सोचा था रिटर्न करूँ फिर सोचा छोड़ो अब आ गई है तो रख ही लेते हैं। और एक तो ये येल्लो येल्लो कलर में पीली पीली सी, हालांकि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, सिल्क वगैरह की आप अभी करवा चौथ वगैरह पे साड़ी अगर पहनेंगे, तीज भी आने वाला है तो तीज पर भी अगर आप पहनेंगे तो उस पर ये अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मैं आगे साड़ी पहनूं तो उसके साथ शायद ये अच्छा लगे जिस पर गोल्डन कलर का काम हो, और फिलहाल वैसे मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही है। और इसका वैसे मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था फोटो में, ये थोड़ा रेड कलर में है, हल्का सा, इतना गोल्ड नहीं है, येल्लो गोल्ड नहीं है, थोड़ा सा रेड उसमें था टोन में, पर ये रियल में काफ़ी ज़्यादा येल्लो है, लेकिन वैसे ये अच्छा है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, मैं सोच रही थी आगे किसी साड़ी में जिसमें गोल्डन कलर का काम होगा उसके साथ पहनूंगी, हो सकता है जब मैं साड़ी के साथ पहनूं, साड़ी के साथ पेयर करूं तो ये सुंदर लगे क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई ज्वेलरी लेनी है, आपको भी पसंद आ रही है तो आप ले सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब तो फेस्टिवल्स वैसे ही आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इन ज्वेलरीज को कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ कर लेंगे, मुझे पता ही है। तो चलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम जो लिंक है मेरा वो है इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी, वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।